अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, क्या हाल चाल है मेरी जान, कैसे हैं हम सब। मेरे बेटे मैं हूँ मोहम्मद एम नज़ीर, आप लोगों का फिजिक्स टीचर। नाइन्थ क्लास वीक फोर लेक्चर वन प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर का लास्ट टॉपिक यंग्स मॉडुलस। अगर बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूँ तो बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी है मेरे बच्चे, बहुत आसान है, मैं इतना कहूँ कि बहुत ज़्यादा ही आसान है। इससे पहले आप पढ़ चुके हैं स्ट्रेस, जो कि आपके पास डिफॉर्मेशन है इन सॉलिड, स्पेशली हम इसमें पढ़ रहे हैं। जब आप सेकेंड ईयर में आएंगे तो आप लिक्विड और गैसेस की डिफॉर्मेशन के बारे में भी बात करेंगे। उसके बाद मेरे बेटे वो डिफॉर्मेशन होती है या नहीं होती वो बात की बात है। इसी तरह मेरा बेटा स्ट्रेन, मेजरमेंट ऑफ डिफॉर्मेशन। अब यंग्स मॉडुलस क्या चीज है मेरे बेटे? यंग्स मॉडुलस एक्चुअली आप जब कंपेरिजन करते हो कि कितना स्ट्रेस अप्लाई करने से, जब आप कंपैरिजन करते हैं कि कितना स्ट्रेस अप्लाई करने से कितना चेंज आया, कितनी डिफॉर्मेशन पैदा हुई, सो द कंपैरिजन बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन इज कॉल्ड मॉडुलस। अब अगर मैं बात करूं सिर्फ और सिर्फ टेंसाइल स्ट्रेन की, अब टेंसाइल का मतलब आपको बड़े अच्छे से पता है कि जब हम बात कर रहे हैं मेरा बेटा चिम, अगर आप स्ट्रेस अप्लाई करने से चेंज आ रहा है सिर्फ और सिर्फ लेंथ में, only change in length, तो ऐसे स्ट्रेन को नाम देते हैं मेरा बेटा टेंसाइल स्ट्रेन का। अब मेरे बच्चे जब आप कंपैरिजन करते हैं टेंसाइल स्ट्रेन का स्ट्रेस के साथ, स्ट्रेस और टेंसाइल स्ट्रेन, पहली बात तो ये मेरे बेटे कि जब आपने कंपैरिजन करना होता है कि कितना स्ट्रेस अप्लाई करने से कितनी स्ट्रेन पैदा हुई, और जब भी कंपैरिजन करना हो तो याद रखिएगा हमेशा उन दो क्वांटिटीज में रेशियो ली जाती है, हमेशा उन दो क्वांटिटीज में रेशियो ली जाती है मेरे बेटे। जब आप रेशियो लेते हो तो रेशियो में डिवीजन की जाती है। अब आप सबको पता है, ये तो मेरे पास यंग्स मॉडुलस आ गया। When we do the comparison between the stress and the tensile strain is called Young's modulus. अब मेरे बच्चे what is stress? Stress मेरे बेटे आपके पास होता है force per unit area. Stress मेरे बेटे आपके पास होता है force per unit area. और tensile strain का मैं अलग से formula लिख रहा हूँ मेरा बेटा। Tensile strain क्या होती है? Measurement of deformation in change in length. आप कंपैरिजन करते हो चेंज इन लेंथ का ओरिजिनल लेंथ के साथ। सपोज आपकी बुक के अकॉर्डिंग में चलूं तो चेंज को रिप्रेजेंट किया गया है एक्स के साथ, ओरिजिनल लेंथ आपके पास एल नॉट है। आप जब ओरिजिनल लेंथ का कंपैरिजन कर रहे हैं चेंज इन लेंथ के साथ, तो उसको मेरे बेटे हम नाम देते हैं टेंसाइल स्ट्रेन का। हाँ, अगर वॉल्यूमेट्रिक बात करते, एरिया की बात करते, तो आप सेकेंड ईयर में जाके बढ़ेंगे आपके पास बल्क मॉडुलस और शेयर मॉडुलस भी आ जाते हैं, या दूसरी तरह की स्ट्रेन, शेयर स्ट्रेन भी आ जाती है और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन भी आ जाती है। लेकिन फिलहाल अभी हम सिर्फ लेंथ के चेंज की बात कर रहे हैं। अब इन दोनों वैल्यूज को मैं अपनी मेन इक्वेशन ए में पुट करता हूं तो मजीद किस फॉर्म में हम यंग्स मॉडुलस को लिख सकते हैं? स्ट्रेस की जगह पे मेरे बेटे आ गया आपके पास फोर्स पर यूनिट एरिया, डिवाइडेड बाय स्ट्रेन की जगह पे आ गया आपके पास टेंसाइल स्ट्रेन है, चेंज इन लेंथ मतलब एक्स जो उसमें चेंज आया, डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ एल नॉट, ये एल लिख ले। अब मेरे बच्चे इसको मजीद ऐसे सिंप्लीफाई कर सकता हूं, एफ ओवर ए लिख दूं, एल नॉट नीचे डिवाइड ऊपर जाके मल्टीप्लाई और एक्स अपनी जगह पे, तो ये मेरे बेटे हमारे पास आ गया यंग्स मॉडुलस की मैथमेटिकल फॉर्म। अगर आपने वैसे इसको लिखना हो कंपैरिजन बिटवीन स्ट्रेस एंड टेंसाइल स्ट्रेन, स्ट्रेस एंड टेंसाइल स्ट्रेन, इसको मेरे बेटे हम यंग्स मॉडुलस का नाम देते हैं। अब मेरे बच्चे कोई ये पूछे कि इसका यूनिट क्या होगा, तो याद रखना ये एक्चुअली है इलास्टिसिटी ही। इलास्टिसिटी मैंने शुरू में बताई थी कि आप देखते हो कि कितना स्ट्रेस अप्लाई करने से कितना चेंज आया, कितना स्ट्रेन आया, और इलास्टिसिटी का मैंने शुरू में बताया था, इलास्टिसिटी का मतलब हरगिज नहीं इलास्टिक, इलास्टिसिटी का मतलब जो मटेरियल जितना इलास्टिक होगा उतना ज्यादा हार्ड ब्रिटल होगा, उसमें चेंज लाना उतना ही मुश्किल होगा। अब डेफिनेटली यहां पर देखो आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस अप्लाई करते हो, इसमें चेंज बहुत कम आएगा, तो वाई की वैल्यू हमेशा ज्यादा होगी, तो ये इलास्टिसिटी की टाइप में भी हमारे पास यंग्स मॉडुलस आ जाता है।
और कोई भी यंग्स मॉडुलस हो, कोई भी इलास्टिसिटी हो, यूनिट हमेशा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आएगा। कैसे, आप देख भी सकते हैं, फोर्स का यूनिट मेरा बेटा न्यूटन होता है, लेंथ का यूनिट मीटर है, एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर है, अगेन एक्स लेंथ है, यूनिट आ गया मीटर, मीटर मीटर के साथ कैंसिल हुआ तो आपके पास क्या यूनिट बन रहा है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। एम की पावर नीचे प्लस टू है, ऊपर जाके माइनस टू भी लिख सकते हैं, और कुछ लोग इसको ऐसे भी लिखते हैं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये मेरे बेटे हमारे पास टॉपिक था। हाँ, अगेन याद रखिएगा मेरे बेटे, अगर आप इसका एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन के दरमियान, जैसे स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व भी कहा गया है मेरा बेटा, तो जितना आप स्ट्रेस अप्लाई करते हो उतना ज्यादा स्ट्रेन पैदा होगा। लाइक एक लीनियरली ग्राफ आपके पास आ जाता है मेरा बेटा, स्ट्रेस को आप ले रहे होते हैं मेरा बेटा y एक्सिस पे, स्ट्रेन हमारे पास आ रही है x एक्सिस पे, तो विद इन इलास्टिक लिमिट तो ये चेंज आता है, लेकिन आप इतनी जोर जबरदस्ती करते हो कि आप इलास्टिक लिमिट को क्रॉस कर जाते हो, मतलब आप बॉडी पे इतनी ज्यादा फोर्स लगा दो कि वो परमानेंटली डिफॉर्म हो जाए, तो उसके बाद मेरा बेटा आ जाता है ब्रेक डाउन पॉइंट। आपने स्प्रिंग को इतना ज्यादा स्ट्रेच किया बल्कि तोड़ ही दिया, तो उसे ब्रेक डाउन पॉइंट कहेंगे। तो ये मेरा बेटा हमारा लास्ट टॉपिक था चैप्टर नंबर 7 का, यंग्स मॉडुलस। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 8 का फर्स्ट टॉपिक टेम्परेचर एंड हीट के बारे में बात करेंगे, उसमें क्या डिफरेंस है। तब तक अपना बहुत सारा सा ख्याल रखिएगा, लेक्चर में कोई इशू हो तो दोबारा इसको सुनिएगा, चैनल पर भी पीस के पड़ा होगा, और अगेन कोई इशू आता है तो मेरा बेटे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अपना बहुत सारा सा ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।